ईद के पावन पर्व पर समाज सेवियों के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। ईद के शुभ अवसर पर सामाजिक लोगों के साथ कर्मचारी नेताओं ने मिलकर लंच के पैकेट वितरित किए। कोविड-19 के आर्थिक लॉकडाउन के दौरान ईद के अवसर पर एक अनूठी पहल देखने को मिली। ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे का त्यौहार, लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, आपस में सेवई इत्यादि का वितरण करना, ये एक पुरानी परम्परा रही है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लोग घरों में कैद है, घर से बाहर नहीं निकलने में घबरा रहे हैं। ऐसे में यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय अध्यक्ष रूपेश कुमार, कर्मचारी नेता वसीम सिद्दीकी, आलमबाग डिपो अध्यक्ष एसपी सोनकर ने शहर के समाज सेवी मोहम्मद वसीम सिद्दीकी, एडवोकेट हातिम बेग, एडवोकेट यशीन खान, एडवोकेट हाशिम बेग, एडवोकेट अजीम खान, योगेश यादव, शकील खान, शामी सैयद, जावेद अहमद के साथ मिलकर शुरुआत करते हुए जरूरतमंद लोगों को लगभग 500 से अधिक लंच के पैकेट वितरित किए। हनुमान सेतु, मनकामेश्वर मंदिर, केसरबाग, आलमबाग, चारबाग, बिटोली चौराहा, मेडिकल कॉलेज, मलिन बस्ती व परिवहन निगम के चालक व परिचालकों को ईद का त्यौहार मनाते हुए लंच के पैकेट वितरित किए। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। मैं रूपेश कुमार, क्षेत्रीय अध्यक्ष यूपी रोड एम्प्लॉय यूनियन। आज हमारे मित्र संगठन के पदाधिकारियों ने मिलकर योजना बनाई थी कि गरीबों को भोजन कराना, क्योंकि ईद को देखते हुए आज 500 पैकेट का हम लोगों ने व्यवस्था करी और पूरे लखनऊ में घूम घूम कर हर जगह गरीबों को भोजन कराया गया, साथ साथ चालक परिचालक को भी भोजन कराया गया। एडवोकेट हातिम बेग, ये ईद का त्यौहार, हालात हमारे शहर के कुछ सुधरे हैं, ये आप मीडिया बंधु भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, पहले से बहुत अच्छे हुए हैं, पर ईद लॉकडाउन चल रहा है चूंकि, तो हम लोग कल सोशल मीडिया के जितने साथी जो हमारे पर्सनल संबंधी, उन सब से हमारी यही गुजारिश थी जितने मुस्लिम भाई थे कि ईद का त्यौहार कोशिश ये कीजिए, आपकी जितनी ताकत है, जितनी कुव्वत है, एक आदमी, दो आदमी, दस आदमी, उनको खाना जरूर खिलाइए, ईद इसी तरीके से मनाइए। बहुत बड़े धन्यवाद। हाँ, अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं वसीम सिद्दीकी, यूपी रोडवेज मंत्री। मैं आज ईद की शुभकामनाएं देता हूँ और आज हम लोगों ने ये सोचा है कि ईद वाले दिन हम लोग अपनी खुशियाँ और भी गरीबों लोगों में बांट सके, जिससे कि हम लोग ने 500 से 600 के पैकेट बनवाए हैं और हर जगह में आलमबाग, चारबाग, रैदास मंदिर, केजीएमयू, जगह जगह लोगों को तकसीम किया है, जिससे कि हमारी ईद की खुशियाँ और लोगों में भी बढ़ सके। ना कि हम लोग लॉकडाउन के मद्देनज़र रखते हुए इतनी कोरोना के महामारी में सब लोग को देख रहे हैं कैसे कौन खत्म हो रहा है, कैसे कैसे, तो हम लोग ने ईद ना मना के सोचा है कि हम लोग अपनी आधी खुशियां इन लोग के मद्देनजर बांट सके। धन्यवाद। मथुरा के कस्बा शेर